आज हम बनाते हैं गणपति बाबा के लिए सूजी के मोदक। तो रवा मोदक आप इसे कह सकते हैं या सूजी मोदक कह सकते हैं। ये रवा मोदक बनाना या सूजी के मोदक बनाना बहुत ही इजी होता है और हम बहुत जल्दी से बना सकते हैं इसे। तो अभी गणपति पूजन चल रहा है तो घर घर में गणपति जी को लेके हम आए हुए हैं, तो हम रोज़ नए नए तरीके का भोग गणपति जी को लगाना चाहते हैं। तो आज हम बनाते हैं सूजी के मोदक जो अभी बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं, और आप इसे बनाकर बहुत इजीली गणपति बाबा को रोज़ नए तरीके के मोदक लगा सकते हैं। तो चलिए हम सूजी मोदक बनाने के लिए चलते हैं गैस के पास। तो यहाँ कढ़ाई में डाल दिया है घी, अब उसमें ऐड कर लेते हैं सूजी। तो आप बारीक वाली या मोटी वाली कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ 1 कप सूजी का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप पहले घी डाल लें कढ़ाई में, उसके बाद इसमें सूजी डाल लें और उसे थोड़ा भून कर तैयार कर लें। जो हम सूजी मोदक बना रहे हैं उसे बहुत ज़्यादा डार्क हम कलर नहीं देंगे, लाइट कलर में इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो जब सूजी भुन जाए और उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, तब तक के लिए हमें सूजी को भून लेना है। और उसके बाद हमें जितनी सूजी हमने ली है उससे 3 टाइम हमें पानी डालना है उसमें। तो जैसे आपने 1 कप सूजी ली है तो 3 कप इसमें पानी का इस्तेमाल कर लें। और उसके बाद इसमें ऐड कर लेते हैं इलायची का पाउडर, और चीनी आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैंने 1 कप सूजी का यहाँ इस्तेमाल किया है, तो 1 कप से थोड़ी सी कम मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। और जब ये कढ़ाई छोड़ने लग जाए सूजी, इसका मतलब अपना रवा अच्छे से सिक कर तैयार हो चुका है। तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं सूजी के जो हम मोदक बना रहे हैं उसके लिए। तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, उसके बाद हम ले लेते हैं मोल्ड। तो इस तरीके से मोल्ड आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, प्लास्टिक के मोल्ड्स भी मिल जाते हैं। जो भी मोल्ड आपके पास हो उस मोल्ड में इस तरीके से आप पहले थोड़ा सा इसे ग्रेस कर लें, यानी आप पहले इसमें थोड़ा सा घी लगा लें और उसके बाद जो आपने रवा सेक कर तैयार किया हुआ है उस रवे को इसमें आप अच्छे से फिल कर लें मोदक का जो आपने सांचा लिया हुआ है उसमें। और थोड़ा सा इसे प्रेस करते हुए हम मोदक को बनाकर तैयार करेंगे। जो एक्स्ट्रा यहाँ पर रवा आ गया था उसे हम हटा देंगे, और नीचे की साइड से भी हम इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए इस मोदक को अच्छा सा शेप दे लेते हैं। तो पूरी तरह से हमने इसे यहाँ प्रेस कर मोदक बनाकर तैयार कर लिया है। है ना बहुत इजी इसे बनाना, बहुत ही इजी तरीके से हम रवा सेक कर तैयार कर सकते हैं और इस तरीके से मोदक बना सकते हैं। और रोज़ नए नए तरीके के मोदक बनाकर हम गणपति बाबा को लगा सकते हैं। तो एक मैंने यहाँ पर आपको मोदक बनाकर दिखा दिया। अब अगर आप इसे थोड़ा सा और अलग लुक देना चाहें तो उसके लिए आप यहाँ पर बादाम की एकदम बारीक कतरन ले लें और उसके बाद उसको इस मोल्ड में डाल दें। और उसके बाद जो आपने सूजी को सेक कर तैयार किया हुआ है, ये बेसिकली हमारे यहाँ तो सूजी का हलवा इस तरीके से बनाया जाता है, पर उसे थोड़ा ज़्यादा सेका जाता है तो वो हलवा हम उसे कह सकते हैं। पर यहाँ हमने क्योंकि बिल्कुल इसे एक अलग रूप में बनाया है तो उसके लिए हमने इसका कलर थोड़ा सा लाइट रखा है, क्योंकि हम मोदक बना रहे हैं। तो यहाँ दूसरा देखिए, बातों ही बातों में दूसरा मोदक भी हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए, ये हमने जो यहाँ बादाम डाले थे उसकी वजह से एक अलग सा ही लुक हमें मिल गया है। तो आप इस तरीके से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से ना करना चाहें, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आपने जो रवा सेक कर तैयार किया हुआ था उसमें आप कतरन को डाल सकते हैं और उसके बाद आप मोदक बना सकते हैं। तो इसे बनाना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इसी तरीके से 2 मोदक हमने तैयार कर लिए हैं। तीसरे मोदक में मैंने जो आपको बताया है कि आप पूरे रवा में बादाम डाल लें, तो बादाम पूरे रवा में डालने के बाद इस तरीके से हम तीसरा एक मोदक भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा आप इसे प्रेस कर दें ताकि जो आपने मोदक बनाया है वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। अगर आप अच्छे से इसे भरेंगे नहीं तो आपका मोदक परफेक्टली बनकर तैयार नहीं होगा। चलिए अब इसे खोल लेते हैं। तो इसे बहुत इजी है इस तरीके से रवा मोदक बनाना। देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल परफेक्ट एकदम रवा मोदक बनकर तैयार हुआ है। और अचानक से देखकर आप ये कह नहीं सकते कि ये रवा से बने हुए गणपति के लिए मोदक आपने बनाए हैं। तो इसी तरीके से हमने जितना भी रवा था उससे मोदक बनाकर तैयार कर लिए। पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सारे तरह के मोदक शेयर किए हुए हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो पर जाकर और भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से गणपति बाबा के लिए मोदक बनाए। एंड एंजॉय।